खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेजसर। आगामी विधानसभा को मंच सजना अभी बाकी है, मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश में खेलों के महाकुंभ का मंच सजने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बस्ती जनपद से होगी। पूरे देश से कोई भी खिलाड़ी बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन में आवेदन कर हिस्सा ले सकता है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस खेल का महाकुंभ का आयोजन करने का मकसद है, जिसको लेकर बस्ती जिले के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने सबसे पहले पहल की है। सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे शरीर को फिट रखती है, बल्कि वर्तमान में खेल को अच्छे करियर के रूप में भी देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारा यह प्रयास है कि अपने जनपद में हम खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए उनका सहयोग करें, जिससे मेरे जनपद का खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा ले सके और जीत कर जिले का नाम रोशन करे। इसी क्रम में बस्ती जनपद में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक सांसद खेल महाकुंभ प्रतियोगिता अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में बस्ती सहित विभिन्न स्थानों से आए हुए खिलाड़ी भाग लेंगे। हमारा प्रयास है कि इस आयोजन के माध्यम से जिले के प्रत्येक खिलाड़ी को अपने कला कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से खेल होंगे शामिल। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, दौड़, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला। विभिन्न खेलों का इतना वृहद आयोजन जनपद में पहली बार हो रहा है। सभी खेल महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लिए होंगे। यह आयोजन खेल प्रेमियों को वृहद मंच देकर उन्हें संवारने के लिए किया जा रहा है। प्रतिभा का आवेदन ऑफलाइन स्टेडियम में होगा और ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रतिभागियों को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सांसद ने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में 13 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। उसकी तैयारी के दृष्टि से और उसकी जानकारी के दृष्टि से आज आप सबके बीच में मैं बैठा था। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के खिलाड़ियों को, बस्ती के नौजवानों को, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इस अपेक्षा के साथ कर रहे हैं कि बस्ती में जो खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ से निकलेंगे उनको प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर मिले, इस प्रकार का हम लोग प्रयास भी करेंगे, इस प्रकार का उनको अवसर दिलवाने के लिए। क्या रूपरेखा तैयार की गई है शुरुआती? मैंने कहा कि 13 को उद्घाटन होगा और 20 तारीख को पुरस्कार वितरण और समापन होगा। इस दौरान प्रतिदिन खेल आयोजित किए जाएंगे, पूरा टाइम टेबल इसका आगे हम लोग जब बैठेंगे तो जारी करेंगे। कौन लोग और कहां से आवेदन कर सकते हैं? आवेदन बस्ती के लोग भी कर सकते हैं और बस्ती के बाहर के लोग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा और ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन 11 से 21 तक यहाँ पर ऑडिटोरियम स्टेडियम में वहाँ पर एक ऑफिस बनाई जाएगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। और ऑनलाइन भी हम उसी तारीख से शुरू करेंगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। क्या राजनीतिक मंच भी सजेगा या फिर खिलाड़ियों? नहीं नहीं, खिलाड़ियों के लिए है और कोई राजनीतिक मंच इसमें राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ इसका नाम रखा गया है और सांसद केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सांसद होता है। इसमें हमने ये आयोजन किया है और इसमें सभी समाज के लोग और कार्यक्रम में मैं सभी दलों के लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम को देखने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। और ये कार्यक्रम भव्य हो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस कार्यक्रम का लोग मिसाल प्रस्तुत करें, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत पूरे यूपी में अभी पहले? अब मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत बस्ती से कर रहा हूँ। क्या प्रधानमंत्री जी के निर्देश? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में करना चाहिए। सारे लोग कर रहे होंगे, मैं 13 से 20 तक बस्ती में कर रहा हूँ। जो आने वाला विधानसभा चुनाव उसको जोड़ के चुनाव? नहीं नहीं नहीं, विधानसभा के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक कोई लेना देना नहीं। बस्ती के खिलाड़ियों को
एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, एक उनको अवसर दिया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, इस दृष्टि से कार्यक्रम हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।